हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर मास्क क्रीम, जिनको नहीं पता है तो जस्ट मैं उनको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि हेयर मास्क क्रीम क्या होती है, इसका क्या काम होता है, एंड जिनको पता है तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। ओके, सो नाउ मैं बात करती हूँ वे हेयर मास्क क्रीम के बारे में। तो बेसिकली हेयर मास्क क्रीम का काम होता है हमारे हेयर को स्मूथ एंड सॉफ्टनर करना। अगर आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज हैं एंड उलझे उलझे से रुके रुके से रहते हैं, तो वो उनको रिपेयर करता है, आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करती है हेयर मास्क क्रीम। ओके, सो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हेयर मास्क क्रीम क्या होती है एंड इसका क्या काम होता है, एंड देन अब हम देखेंगे कि हेयर मास्क क्रीम को अप्लाई कैसे करना है, इसको कैसे अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं, इसको कैसे लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं आप लोगों की स्क्रीम के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ एंड उसको कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आप लोगों की किस क्रीम के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसके बगल में छोटे सा बेल आइकन का बटन होगा उसे भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिस क्रीम के बारे में मैं बात कर रही थी वो है ये लोरियल पैरिस की टोटल रिपेयरिंग हेयर मास्क क्रीम। तो चलिए अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो इस जो क्रीम का काम है वो आपके 70% रिपेयरिंग क्रीम है, आपकी जो डैमेज हेयर है उसको 70% डैमेज हेयर को रिपेयर करती है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हेयर क्रीम होती है, जो हेयर स्पा क्रीम होती है, उनका काम ही होता है आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करना, आपके हेयर को स्मूथ एंड सॉफ्टनर बनाना। तो ये टोटल रिपेयर 5 क्रीम है, मतलब कि इन्होंने इसमें यहाँ पर डाल रखा है कि टोटल रिपेयर 5, मतलब कि ये जो आपकी जो भी हेयर में 5 जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे ये फाइट करता है। जैसे कि आपके हेयर में जो भी डैमेज है, स्प्लिट एंड्स है, ड्राई है, फ्रीजीनेस है, एंड आपके हेयर को नरिश्ड एंड स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये आपके जितनी 5 प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे ये फाइट करने में हेल्प करता है। एंड लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैंने इसको जितने भी बार यूज़ किया है, इसने जो अपना काम किया है ना वो कमाल का था। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ 100% ये शेयर करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ये उनके लिए बेस्ट है जो कंडीशनर लगाना प्रेफर नहीं करते, जिनको ये लगता है कि कंडीशनर में बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, हमारे हेयर को हार्म करते हैं, हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने कई लोगों को देखा है कि कंडीशनर यूज़ करने के बाद काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर जो कंडीशनर लगाना पसंद नहीं करते उनके लिए ये बेस्ट है, उनके लिए मस्ट बाइंग प्रोडक्ट है, उनको ये जरूर से ज़रूर परचेज करना चाहिए, क्योंकि इसको लगाने के बाद ना ही आपको कोई हेयर फॉल होता है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें उन्होंने कोई पैराबिन, कोई सल्फेट नहीं डाला है, बस इन्होंने इसमें डाला हुआ थोड़ा सा अल्कोहल डाला हुआ है। एंड आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है अल्कोहल हमारे हेयर के लिए उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता जितना कि पैराबिन और सल्फेट और जो आर्टिफिशियल डाइज होती हैं। तो इनफैक्ट जैसा कि आपने शायद सुना भी होगा, बियर या फिर अल्कोहल शैम्पू आते हैं वोडका, हमारे हेयर के लिए अच्छी होती है, उस तरह से इन्होंने जो अल्कोहल डाला आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो हमारे हेयर को डैमेज करेगा। एंड अभी तक मैंने इसको जितने भी बार यूज़ किया है इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही बेहतर लगा, बहुत ही बेहतरीन लगा है। सो नाउ बात कर रहे थे अब इसके बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी बॉक्स की पैकेजिंग कुछ बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, जो कि फेमस है ये रेड और वाइट कलर का जो लोरियल का चला आ रहा है कॉम्बिनेशन, वो ऐसा ही है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। एंड मैंने इसको परचेज़ किया था amazon.com से, तो मुझे एक ही कार्डबोर्ड पैकेजिंग में एंड इसके ऊपर पवरला पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी क्वांटिटी की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये भारी भरकम है, तो ये इसकी क्वांटिटी 200 ग्राम की है, क्योंकि हमें इसको अपने हेयर पर अप्लाई करना होता है एंड किसी की हेयर लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, किसी कम होती है, उसके अकॉर्डिंग तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं तो बेटर होता है आई थिंक, इसलिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम की क्वांटिटी का परचेज किया। तो इसकी क्वांटिटी आपको 200 ग्राम की मिल जाती है एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो आपको 3 ईयर्स की मिल जाती है। ये 18 में मैन्युफैक्चर हुआ था एंड 21 में एक्सपायर करेगा, तो आपको 3 ईयर्स की सेल्फ लाइफ मिल जाती है। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो इन्होंने इसमें डाल रखा है 365, बट आई थिंक ये मुझे रिसीव हुआ था 292, मतलब कि जो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, जो यहाँ पर इन्होंने प्राइसिंग डाल रखी होती है वो एक्चुअल नहीं होती है, एक्चुअल प्राइसिंग आपको कुछ अलग ही मिलती है। एंड अभी तक चल रही थी ब्लैक फ्राइडे सेल, अगर आप परचेस करते हैं वहाँ पे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल सकती है। ओके, सो मैं अगर ना इसको ओपन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कम्प्लीटली वाइट है, आप इसमें देख सकते हैं। एंड इसकी जो मुझे एक बात है वो थोड़ी कम अच्छी लगती है, वो ये कि अगर इन्होंने इसमें एक थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट सा लिड दे रखा होता तो इसमें ये नहीं होता, इस पे स्प्लिट पे नहीं लगता, बट इन्होंने इसमें कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट सा लिड नहीं डाल रखा, जस्ट बस यही एक है, तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर होता है टेढ़ा वेढ़ा, तो इसमें लग जाता है ऐसा। एंड बाकी आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि पूरा भरा हुआ आया था, मैंने इसको यूज़ कर लिया तो ये काफ़ी खाली हो चुका है, आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ये वाइट है, सो नहीं दिख रहा होगा आपको, अब आपको साथ थोड़ा दिख रहा होगा, ये काफ़ी जितना भी ये खाली हुआ है इसको मैंने खाली किया, अदरवाइज ये पूरा फुल होकर के आया था। एंड इसकी जो फ्रेगरेंस है वो लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज इन्होंने इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस नहीं डाल रखी है, बट हाँ थोड़ी सी माइल्ड सी है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है,
आप जब इसको लगाएंगे देन आप वाटर से इसको वॉश भी कर लेंगे अपने हेयर को, तो आप फील करेंगे जो एक बहुत ही माइल्ड जो फ्रेग्रेंस है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस हेयर मास्क को कैसे अप्लाई करना अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे, मैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं उसकी एक क्लिप अलग से डाल दूंगी, बट मैं अभी आपको जस्ट एक वर्बली बता देती हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो जस्ट आपको अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लेना है, आप जिस भी शैम्पू से आप वॉश करना चाहें, जो शैम्पू आप यूज़ करते हो आप उससे वॉश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको टोटल रिपेयर की क्रीम है तो आपको टोटल रिपेयर का शैम्पू ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप जिस शैम्पू से वॉश करते हैं आप यूजुअली उसी शैम्पू से वॉश कीजिए, एंड देन अपने जितना भी एक्सेस वाटर है उसको रिमूव कर लीजिए। मतलब कि अगर आप टॉवल ड्राई करना चाहते हो तो आप टॉवल ड्राई भी कर सकते हैं, जस्ट जैसे इन्होंने लिख रखा है इसमें, तो इन्होंने इसमें यही लिख रखा है टॉवल ड्राई, बट ऐसा नहीं हो पाता है कि आपने एक बार हेयर वॉश किया जस्ट आपने फिर टॉवल ड्राई किया फिर से रंस किया करके, तो जितना भी आपके हेयर पे एक्सेस जो वाटर है जो टपकता हुआ पानी उसे रिमूव कर लीजिए, मतलब अपने हेयर को अच्छे से टाई अप कर लीजिए एंड जितना भी एक्सेस वाटर उसे रिमूव कर लीजिए एंड देन इसको अप्लाई कर लीजिए अपने हेयर स्कैल्प से 1 इंच छोड़ करके, अपने जितना आपकी हेयर लेंथ है उसमें अच्छे से मसाज करते हुए इसको अप्लाई कर लीजिए एंड देन इसको ओनली 5 मिनट के इसको छोड़ दीजिए। जब आप कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो आप 2 से 3 मिनट रखते हैं, आपको इसको बहुत देर नहीं रखना है, बस जस्ट आपको 5 मिनट ही रखना है एंड देन आप प्लेन वाटर से इसे वॉश कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि इस हेयर क्रीम को आपको किस तरह से अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है एंड थोड़ा आपको इको फील हो रहा होगा बिकॉज मैं बाथरूम में हूँ, सो इसलिए आप कुछ इस तरह से अपने हेयर कर लेने हैं, जो एक्सेस वाटर से रिमूव कर लेना है, मतलब आपको टॉवल ड्राई कर लेना है आपके हेयर से एक्सेस वाटर ना टपक रहा हो। एंड अब हम इस क्रीम को अप्लाई करेंगे अपने हेयर लेंथ पे, तो इसको अप्लाई करती हूँ मैं थोड़ा सा, इसको ऐसे कर लीजिए एंड देन अपने ऊपर से लाते हुए हेयर में जस्ट स्कैल्प से थोड़ा सा छोड़ते हुए, आपको पूरा स्कैल्प पे नहीं जाना, आपको रूट से लेते हुए आपको चलना है एंड अपने हेयर लेंथ पे आपको इसको अप्लाई कर लेना है कुछ इस तरह से। हम इसको पूरे हेयर पे अप्लाई करेंगे अपने एंड देन हम इसको टाइप कर लेंगे क्लिचर की हेल्प से एंड इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे जरूर हिट करेगा एंड उसके बगल में छोटा सा बेल आइकन का बटन होगा उसे भी हिट करना मत भूलेगा। तो मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।